आईपीएल 2024 की चैंपियन बनी कोलकाता नाइट राइडर्स फाइनल मुकाबले में हैदराबाद को 8 विकेट से हराया। पहले बल्लेबाजी करते हुए 113 रन पर ढेर हो गई हैदराबाद, जवाब में कोलकाता ने 2 विकेट खोकर जीता मुकाबला। हैदराबाद के बल्लेबाजों के नाम शर्मनाक रिकॉर्ड हुआ दर्ज, टीम का कोई बल्लेबाज नहीं बना सका 30+ स्कोर। चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स पर हुई पैसों की बरसात, खिताब जीतने पर टीम को मिले 20 करोड़ रुपए। आईपीएल की उप विजेता हैदराबाद को मिले 12.5 करोड़ रुपए, विराट ने ऑरेंज और हर्षल ने पर्पल कैप किए अपने नाम। फाइनल में आमने सामने आए 2 सबसे महंगे खिलाड़ी, स्टार्क का दिखा जलवा, कप्तान कमिंस पड़े फीके। सनराइजर्स हैदराबाद की हार के बाद रोने लगी काव्या मारन, आंसू पोंछने का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों में भीषण गर्मी से त्राही माम, राजस्थान के फलौंदी में पारा 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा। मध्य प्रदेश समेत देश के 7 राज्यों में हीट वेव का अलर्ट, राजस्थान में लू से 4 दिन में 25 लोगों की गई जान। राजस्थान के शहरों में एक दिन छोड़कर की जा रही जलापूर्ति, महाराष्ट्र के अकोला में लगी धारा 144 रेड अलर्ट जारी। पापुआ न्यू गिनी में हुए भूस्खलन से 670 लोगों की गई जान, प्राकृतिक आपदा में 150 से ज्यादा मकान जमीन में दबे। शोधकर्ताओं ने भूजल स्तर 55% गिरने का किया दावा, कहा ग्लोबल साउथ की आबादी झेलेगी सबसे बड़ा संकट। पुणे पोर्च कांड में फोरेंसिक के HOD समेत 2 डॉक्टर गिरफ्तार, शराब पिए नाबालिग आरोपी का ब्लड सैंपल किया था गायब। बंगाल में 135 किलोमीटर की रफ्तार से आया रेमल चक्रवात, समुद्र में ऊंची लहरें उठी, पेड़ खंभे उखड़े, मकान भी ढहे। भीषण बारिश से कोलकाता की सड़कों पर हुआ जल भराव, बंगाल तट से टकराने के बाद कमजोर पड़ा तूफान रेमल। केंद्र सरकार ने सभी दूरसंचार कंपनियों को दिया निर्देश, का ठगी रोकने को फर्जी अंतर्राष्ट्रीय कॉल पर लगाएं रोक। अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में लगाई नई याचिका, अपनी अंतरिम जमानत 7 दिन बढ़ाने की उठाई मांग। कुशीनगर बलिया और वाराणसी में शाह की रैली आज, सीएम योगी भी कई जिलों में करेंगे धुआंधार प्रचार। वाराणसी में विदेश मंत्री ने भारत की विदेश नीति पर की बात, कहा भारत के साथ कई देशों के मजबूत हुए संबंध। 2 जून से हैदराबाद नहीं रहेगी आंध्र प्रदेश की राजधानी, अब तेलंगाना की होगी राजधानी, पुनर्गठन कानून की मियाद पूरी। बुरनोई पहुंचा भारतीय नौसेना के उत्पोत का जोरदार स्वागत, चीन फिलीपींस के तनाव के बीच बढ़ेगी समुद्री साझेदारी। बिहार में शराबबंदी से यौन हिंसा में आई 3.6% की कमी, रिपोर्ट में दावा 18 लाख पुरुष मोटापे से भी बचे। बागपत के आस्था हॉस्पिटल में 4th फ्लोर पर लगी आग, मरीजों को सुरक्षित किया गया रेस्क्यू, आग पर पाया काबू। सांसद अनवारुल हत्याकांड का मास्टरमाइंड अमेरिका भागा, मामले की जांच करने कोलकाता पहुंची बांग्लादेश की टीम। अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने लॉन्च किया पहला छोटा जलवायु उपग्रह, ध्रुवीय जलवायु परिवर्तन के असर के बारे में मिलेगी जानकारी। गृहमंत्री शाह ने एक देश एक चुनाव को लागू करने का किया वादा, बोले कई मायनों में अहम होगा मोदी सरकार का अगला कार्यकाल। गृहमंत्री शाह बोले 5 साल के अंदर देश भर में लागू होगी UCC, कहा समान नागरिक संहिता लागू करना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी। 1 महीने बड़ा सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे का कार्यकाल, कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने दी मंजूरी, 30 जून को होंगे रिटायर। आर्मी चीफ का कार्यकाल बढ़ाने पर ओवैसी ने उठाया सवाल, बोले सरकार ने पहले से ही नए सेनाध्यक्ष की क्यों नहीं की नियुक्ति। हमास ने तेल अवीव और मध्य इसराइल में दागे रॉकेट, IDF के हमले में 35 फलस्तीनियों की गई जान। पाक सरकार की सेना IS का दखल रोकने की तैयारी, PM के सलाहकार बोले इसके लिए तंत्र बनाना जरूरी। मक्का तक हाई स्पीड ट्रेन से पहुंचेंगे भारतीय हज यात्री, बचेगा समय, विशेष सेवा का उपयोग करेंगे हाजी। भारतीय सेना के रोबोटिक डॉग म्यूल से डरा चीन, अब सोशल मीडिया पर वायरल कर रहा अपने डॉग की फोटो। नासिक के सुराना ज्वेलर्स पर इनकम टैक्स की छापेमारी, 26 करोड़ नकद और 90 करोड़ रुपए की संपत्ति हुई जब्त। कपिल सिब्बल ने फिर अलापा, AGM से छेड़छाड़ का राग, बोले मतगणना से पहले गड़बड़ियों का विपक्षी दल रखें ध्यान। कोविड के नए वेरियंट को लेकर रैंडम सैंपल सर्वे का आदेश जारी, स्वास्थ्य मंत्रालय ने अधिकारियों की बैठक के बाद दिया निर्देश। शिवसेना UBT नेता संजय राउत ने चुनाव पर किया बड़ा दावा, बोले PM मोदी शाह ने गडकरी की हार के लिए किया काम। राउत के आरोपों पर भाजपा नेता चंद्रशेखर बावन कुले का पलटवार, बोले गुटबाजी की राजनीति करने वालों को हर ओर नजर आती है साजिश। केरल कांग्रेस ने पिनराई विजयन सरकार पर लगाया बड़ा आरोप, का शराब नीति को लेकर झूठ बोल रहे मंत्री, न्यायिक आयोग करे जांच। तेलंगाना सरकार पर 1100 करोड़ के घोटाले का आरोप, BRS ने की चावल खरीद मामले की जांच की मांग। गुजरात के मुद्रा पोर्ट पर पहुंचा अब तक का सबसे बड़ा जहाज, 4 फुटबॉल मैदानों के बराबर है MSC अन्ना की लंबाई। भारत बांग्लादेश सीमा के पास BSF ने दबोचा तस्कर, सुरक्षा बलों के जवानों ने 12 करोड़ का सोना भी किया जब्त। मई महीने में बिजली की मांग तोड़ देगी सारे रिकॉर्ड, सर्वकालिक उच्च स्तर 240 गीगावाट पर पहुंची डिमांड।
शुभेंदु अधिकारी के बयान पर सीएम ममता बनर्जी ने किया पलटवार, बोली टीएमसी सरकार को हटाने की भाजपा की मंशा नहीं होगी पूरी। 141 शहरों के अध्ययन के बाद आईआईटी भुवनेश्वर का खुलासा, का शहरीकरण और बदलती जलवायु ने बढ़ाई 60 फीसदी गर्मी। 3 दिन में हिमाचल के मनाली पहुंचे 50,000 सैलानी, गर्मी में दोगुना हुए पर्यटक, हिडिंबा मंदिर में भी लगा तांता। ऊना की रैली में राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर सादा निशाना, बोले हिमाचल सरकार को चुरा नहीं पाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। रामलला के दर्शन मार्ग पर असलहे के साथ दबोचा गया युवक, आरोपी से पूछताछ कर रही है अयोध्या पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां। कानपुर में सो रहे 2 मासूमों पर कुत्तों ने किया हमला, एक को नोच नोच कर मार डाला, दूसरे की हालत गंभीर। हरियाणा में कांग्रेस प्रत्याशी ने खुद की पार्टी के नेताओं पर लगाया आरोप, तरलोचन बोले अपनों ने ही दिया धोखा की हराने की कोशिश। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।